कुरिया संगठन द्वारा यह जगह पर मुहिम चलाई गई है लोक सेवा के लिए, तो आज का जो आपका एजेंडा था मीटिंग का, वो इसमें आगे क्या आप कुछ नया लेकर आ रहे हैं? देखिए, सूर्य संगठन की आज दिल्ली में हर विधानसभा में टीम बन चुकी है और हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम जन सेवा जितनी ज़्यादा संख्या में जितने दल बल से हम कर सके लोगों की सेवा, हमारा जो मुख्य उद्देश्य तो सेवा का ही है। और इस सेवा का जो पार्ट है, जो स्पेसिफिक हमारा मोटिव है, उस मेन मोटिव तो हमारा ये है कि चाइल्ड वेलफेयर पे काम, महिला कल्याणकारी कार्यों पे कार्य हो, और साथ के साथ जो मजदूर तबका है, जो कि आप देख सकते हो दो कोविड है उन्होंने झेला सब कुछ, तो लेबर वेलफेयर पे भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे के हम अपना काम कर रहे हैं। आज की जो इस बैठक का आज की जो मुख्य एजेंडा था वो यही था कि दिल्ली में हर जगह हमने अपनी अलग अलग टीम तैयार करी है हर विधानसभा के लिए, ताकि हम हर विधानसभा के अकॉर्डिंग जहाँ जो समस्या है, जिस क्षेत्र में जो भी समस्या है, उस समस्या के लिए सूर्य संगठन की आज टीम गठित हुई है हर विधानसभा के लेवल पर, और जहाँ पर जो भी समस्या होगी महिलाओं की, मजदूरों की, बच्चों की, वो विधानसभा सत्र पर अपनी टीम के जो अध्यक्ष होंगे वो इस समस्या का समाधान करेंगे। सर, आज नरेला विधानसभा में आपने मीटिंग रखी, काफ़ी बड़े लेवल पर मीटिंग थी और दिल्ली के हर आपके जो कार्यकर्ता हैं संगठन के वो यहाँ पहुँचे, आखिर यहाँ मीटिंग करने का आपका मेन मकसद क्या था? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे आज मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पे 21 अगस्त को चैरिटी हॉस्पिटल खोल रहे जहाँ पे आप लोग खड़े हो, तो आज की मुख्य इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा यही था कि चैरिटी हॉस्पिटल के लिए जितने भी हमारे आज दिल्ली के मेंबर हैं वो आप अपने पॉकेट से कंट्रीब्यूशन करके हम जनता को दूसरा चैरिटी हॉस्पिटल देने जा रहे हैं नरेला के अंदर, तो नरेला क्षेत्रवासियों को एडवांस में बधाई और मुबारकबाद। सर, चैरिटी हॉस्पिटल के अलावा आपने महिला कल्याण के लिए भी काफ़ी योजनाएं चला रखी हैं, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए ताकि बाकी जो महिलाएं जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, ये बहुत ही सही सवाल है आपका। दिल्ली में जितने भी हमारे सेंटर है सूर्य कौशल योजना के, उसके तहत सबसे ज़्यादा हम जो प्रायोरिटी दे रहे हो महिलाओं को दे रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का वर्ग ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ही, जिनको हरासमेंट सहन करनी पड़ती है या बहुत तरह कई तरह की समस्याएं जो है उनको समस्या उनको झेलनी पड़ती है डेली, तो उसके लिए जो सूर्य कौशल योजना के तहत जितनी भी योजनाएं चल रही है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिलाओं को मिलता है। और अभी हमारी लास्ट वीक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और लेबर मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के OSD साहब से भी मिले हैं, जो महिलाओं के कल्याणकारी कार्य है उनके लिए हम समाज कल्याण मंत्री गौतम जी से भी मिलने जा रहे हैं, तो मंत्रालय से भी बहुत कुछ योजनाएं हम लेके आ रहे हैं जनता के लिए, और जो हम इंडिविजुअली लेवल पे कर रहे हैं सूर्य संगठन के बैनर पर, वो तो आप देख ही रहे हो कि 8 सेंटर हमारे चले हुए हैं, एक चैरिटी हॉस्पिटल है, और ऐसे ही हम जनसेवा दिल्ली में जनसेवा करते रहेंगे। सर, दिल्ली में महिलाओं का काफ़ी शोषण हो रहा है, लगातार खबरें आ रही हैं, तो जो शोषित महिलाएं हैं जब वो आपसे मिलती हैं, आपसे गुहार लगाती हैं इंसाफ की, तब आपका नेक्स्ट जो अगला कदम होता है वो क्या होता है? देखिए, हमारी, मुझे बड़ा गर्व है, जो हमारी टीम है दिल्ली में वो बहुत ही बढ़िया टीम है। जब भी कहीं से कोई महिलाएं शोषित गुहार लगाते हैं सूर्य संगठन में आके, उसके ऑफिस में आके, तो पहले हम बड़े ध्यान से हमारे पदाधिकारी उनकी बात सुनते हैं, फिर उस समस्या को संज्ञान में लेकर कंसर्न संबंधित अधिकारी से मिलते हैं, और उस समस्या का समाधान कराने में जितना भी हमसे मेहनत होती है उस महिलाओं को हम न्याय दिलवाने में हम अपनी भूमिका निभाते हैं। सर, कोई आपकी नॉलेज में कोई ऐसा केस है जो किसी महिला को टॉर्चर किया जा रहा हो और आपने उसको सॉल्व कराया, किस क्या आपने उनके उस केस में क्या कठिनाइयां महसूस हुई? देखिए, इन 22 सालों में काउंटिंग ही नहीं कर सकता मैं कि कितनी महिलाओं का हमने उनको फ़ायदा दिलवाया या उनके अधिकारों को दिलाने के लिए जो हमने मेहनत की है। अभी रिसेंटली 2-3 केस हुए हैं, एक बहुत छोटी लड़की सोफिया, और अभी जो हमने रोड जाम किया था और पूरी टीम को बवाना थाने में ACP SHO से मीटिंग की थी, जो छोटी छोटी बच्चियाँ जो उनके साथ जो एक जो हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, ये इतनी घृणित कर्म है कि बस सोचते हुए भी इतना गुस्सा आता है। उसके लिए स्पेशल हमारी टीम बनी हुई है कि जो छोटी बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनके साथ कहीं भी कोई भी शोषण होता है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से भी पहले सूर्य संगठन के पहले पहुंचने में सक्षम है, और मैं अपनी टीम के ऑन बिहाफ पे ये दिल्ली की जनता से वादा करता हूं कि कहीं भी कोई भी शोषण होगा,
चाहे वो महिला है, बच्ची है, बुजुर्ग है, गरीब मजदूर है, कहीं भी कोई शोषण होगा, सूर्या संगठन सबसे पहले वहाँ खड़ा मिलेगा। हमारा जो देह ईमान ये कहता है, अगर हमने कमिटमेंट किया जनता के लिए, अपनी शोषित महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो मुझे लगता है अगर व्यक्ति अपने आप से वादा कर ले कि रोज़ एक नेक काम करना है तो डेफिनेटली वो करेगा। सूर्या संगठन का जो एक लोगो है पावर ऑफ ट्रूथ, जो सच्चाई की ताकत है, सच्चाई के लिए, शोषण के विरुद्ध कहीं भी खड़ा होना पड़े, मेरा एक एक मेंबर बहुत शक्तिशाली है, शोषण के विरुद्ध कहीं भी हम खड़े हो सकते हैं, चाहे वो महिला का शोषण हो, मजदूर का हो, लेबर का हो। तो हम बिल्कुल कमिटमेंट कर चुके हैं कि कहीं भी कोई भी समस्या होगी दिल्ली में, हमारी टीम वहाँ जाएगी, उस समस्या का समाधान करेगी। सर, सूर्या संगठन की तरफ से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार सूर्या संगठन दिन रात अपना जो कीमती समय जनता की सेवा में दे रही है, इसी तरह कहीं भी अगर शोषण का शिकार कोई भी व्यक्ति मिले, कृपया करके उसकी मदद करें। सूर्या संगठन पूरी तरह से वचनबद्ध है लोगों की सेवा करने के लिए। यही उम्मीद हम समाज के उन बुद्धिजीवी या उन समर्थ लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको कहीं भी मौका मिलता है जन सेवा का, तो उसमें पीछे ना रहे, जन सेवा में हमेशा आगे रहे।